Hallelujah. Hallelujah. क्या आप परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो बात आज हम सीखने जा रहे हैं के वचन में से सीख सके। आइए, स्वर्गीय पिता अद्वैत जिंदा परमेश्वर, आपकी दया चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं मेरे खुदा बाप। आप वचन के लिखने वाले हैं, आप वचन के समझाने वाले हैं, आप ही सहायता करेंगे तो हो जाएगा। प्रभु दया करें, राजा यीशु अली के नाम में, आमीन आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बहुत ही जरूरी चीज सीखने वाले हैं। इसकी आवाज कम कीजिए पीटर, म्यूजिक की आवाज आ रही है, ये ठीक है। अब मेरी आवाज सब समझ आ रही है सबको? हाँ, मैं आज थोड़ा धीरे बोलूंगा। परमेश्वर ने अपने बच्चों को अपने फजल से नवाजा है। अपना फजल का मतलब है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। ये अनुग्रह जो है ये बहुत मुश्किल से किसी व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि दुनिया के अंदर भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, जिसमें हर कोई व्यक्ति एक से अलग होकर दिखना चाहता है। वो जब पूरे संसार को देखता है तो उसको लगता है कि जैसे संसार चल रहा है, अगर वैसे ही उसके जीवन में हो तो शायद उसके जीने का कोई मकसद बाकी नहीं रह जाता। मैं क्यों कह रहा हूं, आप अपने आसपास से शुरू करेंगे। हमारे इर्द गिर्द शायद ही 100 में से 5 घर ऐसे होंगे जहां पर पूरी तरह से सुखों की बरसात हो रही है। हमारे इर्द गिर्द कुछ ही ऐसे जिले होंगे जहां पर आजादी के इतने दिनों बाद भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर हमारे मोहल्ले में कोई आए, हमारे आसपास कोई आए और वो हमें कहे कि आज तक आजादी के इतने सालों बाद भी यहां पर सड़कें नहीं बनी, यहां पर सीवरेज नहीं है, यहां पर पानी के कनेक्शन रेयर हैं, कम है, धीरे धीरे चल रहा है, जो डेवलपमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद हमारे इर्द गिर्द नहीं है। हमारे प्रदेश में हम देखें, पूरे पंजाब में देखें, वहां पर बहुत सारे काम होने बाकी हैं। फिर अब देश में चले जाएं, देश में भी बहुत सारे काम है, और फिर अगर देशों के बाहर जाएं तो वहां पर इतनी इतनी भयानक जंग लगी हुई है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। सबसे ताकतवर देशों में से एक इजराइल आजकल युद्ध के मैदान में है। इजराइल ये कोशिश कर रहा है, इजराइलियों के अनुसार यहूदी ये मानते हैं कि मसीहा का दिन आने वाला है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, हम लोग इसराइलियों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन यहूदी लोग हमें अपना नहीं मानते, क्रिश्चियंस को अपना नहीं मानते। अगर हमारे मसीह को नहीं मानते तो आपको कैसे मानेंगे? प्रभु यीशु मसीह जी ने जब वो इसराइल से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने ये कहा था, हे इसराइल, काश तू अपने मुक्ति के मार्ग को पहचान लेता। लेकिन यह कहा गया है कि जिस दिन इज़राइल यानी यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे कि आ मसीहा आ, तब अंत आ जाएगा, वो अंत के पड़ाव का स्टार्टिंग हो जाएगा।
ये बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ। अब वहां पर भयानक जंग चल रही है। उस जंग के दौरान बहुत सारे ऐसे वीडियो सांझे किए जा रहे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। बच्चों को बंधक बनाया गया, एक पार्टी के अंदर हमला किया गया, आतंकवादियों ने वहां पर घुसकर इसराइलियों को मारा। वही इसराइली जो सुपर नेचुरल होने पर विश्वास करते हैं, सुपर नेचुरल होने पर विश्वास करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, सीखना, लिखना। अगर किसी के पास पेपर नहीं है, आस्क फॉर द पेपर राइट नाउ। आप जिस दिन आपने सीखना शुरू कर दिया उसी दिन आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ जाएंगे। नहीं तो बहुत सारी जो बातें हैं जो यहां पर हम लोग कहते हैं, आप यही दरवाजे में दोबारा अगर आपसे पूछूं आप उसको भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिखा नहीं। इसीलिए स्कूल के अंदर अगर जैसे टीचर है, टीचर बोर्ड पर लिखे और आप घर चले जाओ और सीधा एग्जाम हो जाए, सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉपी तो थी नहीं, लिखा तो है नहीं जो बोला गया था। अगर आपके पास पेपर नहीं है, यहां से पीटर सप्लाई द पेपर्स, अगर यहां पर पढ़े हैं किसी भी तरह के पेपर होंगे या छत से ऊपर से जो व्हाइट पेपर्स हैं, कॉल द पेपर्स, हम लोग उस पर लिखेंगे। आपको अच्छी आदतें डलवाना मेरा फर्ज। आप बैठ जाइए, वो आ जाएगा, बैठ जाइए आप। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है नेचुरल या सुपर नेचुरल। मेरे साथ बोलो, नेचुरल या सुपर नेचुरल। ये दोनों का मतलब क्या है? नेचुरल सुपर नेचुरल का मतलब है जैसे एक बच्चा छोटा सा बड़ा हो रहा होता है, अचानक उसके दांत में दर्द होने लगता है। जब वो दांत निकाल रहा होता है वो कुछ ऐसे ऐसे खुजली करने लगता है। उसकी जो मदर है जिसने पहली बार बच्चे को देखा है ऐसे करते हुए, वो आएगी और कहेगी पता नहीं बच्चा क्या क्या करता रहता है। एक दादी जिसने पहले बच्चों को पाला है वो आके कहेगी ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही है क्योंकि ये अब दांत निकाल रहा है। यानी नेचुरल और सुपर नेचुरल, प्राकृतिक यानी नेचर में जो हो रहा है, हवा चलनी है, बादल आएंगे तो बारिश होएगी, सूरज आएगा तो धूप हो जाएगी, इसी तरह से नेचुरल लॉज जो है वो बनाए गए हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक ये टॉपिक जरूरी क्यों है। मैं आपको बात पहले समझा देता हूं फिर इसके विषय में हम लोग शुरू करेंगे। ये जरूरी इसलिए है कि क्रिश्चियन, खास करके क्रिश्चियन लाइफ जो है, मसीह लाइफ जो है, वो ज्यादातर सुपर नेचुरल पर विश्वास करती है। सुपर नेचुरल का मतलब है जो किसी को समझ में ना आए, यानी जिसको साइंस डिफाइन ना कर पाए कि इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था, तो और वो आपके जीवन में घट जाए, जीवन में हो जाए, इसको सुपर नेचुरल बोलते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके इस सपने से पैसा कमाते हैं। बहुत सारे सुपरमैन सीरीज बनाएंगे, सुपरमैन की सीरीज बनेगी, उसमें एक व्यक्ति दिखाया जाएगा जो उड़ता है। परसों की बात है, मैं और सैमुअल रात के 8:30-9 पावर से रोकना चाह रहा था सड़क के ऊपर। मैं ये देख के हंस पड़ा, मैंने कहा ये पक्का कोई कार्टून देखकर आया है और उस कार्टून में इसका जो हीरो था वो सुपर हीरो था, वो सुपर नेचुरल था, ये ऐसे कर रहा था और हम हंस रहे थे। वो स्कूटी रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब नहीं रुकी तो वो साइड में होके चला गया। ऐसे इवेंट्स हमारी जिंदगी में रोज देखने को मिलते हैं। हम लोग किस पर विश्वास करें?
अब बहुत सारे लोग जब आप प्रार्थना करवाते, जैसे हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर जैसे मूसा के लिए आपने किया, मूसा ने प्रार्थना की और आपने किया, आज भी परमेश्वर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ आज तक? एक एलिया नबी के टाइम में छोटी झील जो थी वो दो फाड़ हुई थी, एक मूसा नबी के टाइम लाठी दी थी, मूसा ने लाठी मारी और अलग हो गया। क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में भी ऐसा ही लिखा हुआ है? क्या ऐसा ही लिखा हुआ है? आपको किसने बताया कि मूसा ने जब लाठी मारी तो पानी दो भाग हो गया? आप और मैं होते तो शायद हम भी कहते प्रभु हम पानी पे चले, लेकिन जैसे ही पतरस पानी पर चले कुछ देर बाद वो पानी के अंदर थे, वो पानी के अंदर थे। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह जी ने मुर्दा लाजर में जान डाली, वो कैसे हुआ? क्या वो नेचुरल था या सुपर नेचुरल था? वो क्या होना स्वाभाविक था या ऐसा कोई इवेंट हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता? ये क्यों जरूरी है आपको जानना, मैं आपको ये समझाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत देर से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना का जवाब आपको मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? या आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की, लेकिन वो हो नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? कुछ लोग हैं, मैंने देखा कि हमारे ही राजपुरा में, हमारे पास के राजपुरा में दो व्यक्ति जिनकी बेटियां, एक दिहाड़ी करता था और एक गरीब मजदूर था, एक पुलिस वाला था एक गरीब मजदूर था, उन दोनों की बेटियों ने जज का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो जज बन गई। सब जगह खबर फैल गई, गरीब की बेटी जज बन गई, गरीब की बेटी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में इतनी ज्यादा जज बनते हैं, इनमें क्या खास था? मीडिया इनके पास क्यों गया? मीडिया को लगा ये कुछ सुपर नेचुरल हो गया, ये कुछ अद्भुत हो गया। कल मैं कहानी सुन रहा था जहां पर दो दोस्तों ने मिलकर एक लॉटरी का टिकट खरीदा, उसी दिन खरीदा, रस्ते में उनके पास, दोनों के पास 500 रुपए भी नहीं थे, 250 एक ने डाले, 250 एक ने डाले, अगले दिन उनका 2.5 करोड़ का इनाम निकल गया। वो दोनों बड़े खुश थे, मीडिया जा रही थी, बोले दोनों दोस्त बने करोड़पति, 1.5 करोड़ का इनाम निकल। हमारा जो समाज है वो भी सुपर नेचुरल पर बिलीव करता है, वो ये कह रहा है, वो ये समझता है कि उसके जीवन के तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो हल हैं, वो परमेश्वर अद्भुत तरीके से हल करते लगता है ना, उनको यही लगता है। हालेलुया। सारा को लगता था क्या? परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि सारा जो थी वो 90 साल प्लस थी, 90 साल की औरत, और परमेश्वर के एक दूत ने कहा कि तेरे से एक ऐसा वंश उदय होगा जो गिना नहीं जाएगा, तारों के समान होगा। सारा हंसने लग गई, बोले मैं तो बूढ़ी हूं। क्या उसने सुपरनेचुरल पर बिलीव किया या वो नेचुरल था? इन दोनों पे आज हम ध्यान देंगे, जिंदगी सफल होगी। हालेलुया। परमेश्वर जब बात करेंगे आपसे, वचन के द्वारा बात करेंगे, तो जिंदगी सफल होगी, क्योंकि हमें समझना होगा कि हमें करना क्या है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस चीज के लिए हम प्रार्थना करें, किस चीज के लिए प्रार्थना ना करें।
किस चीज को हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, किसको ना बनाएं, किस तरह से हमारे बच्चे जिए आगे बढ़ें। आज बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, खास क्रिश्चियन लोग, वो बेरोजगारी का शिकार है। पवित्र शास्त्र बाइबल डोमिनियन की बात करती है, अधिकार रखने की बात करती है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। नौकरियों से अधिकार नहीं मिलता। मैं पटियाला की बात कर रहा हूं, बहुत कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन है जो अपना बिजनेस कर रही है, क्योंकि वैसी सोच डेवलप नहीं हो पा रही, वैसा समझ डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुपर नेचुरल पर बिलीव है, सुपर नेचुरल पर ज्यादा बिलीव है। एक चर्च में आने वाला व्यक्ति जब प्रार्थना करके जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी सैलरी उसको एक दिन पहले मिल जाएगी, और तो कुछ नहीं होगा, तो कहीं से पैसा आना ही नहीं था। हाँ, नहीं आना था ना, कोई बिजनेस तो है ही नहीं, कुछ बीजा तो था ही नहीं जिससे कटनी होगी, तो इसी चक्कर में इंसान फंसा पड़ा। मैंने देखा एक पास्टर थे, इतने कभी वो बीमार पड़ गए, कभी हर्निया हो गया, कभी डायबिटीज की वजह से यूरिनेशन होने लग गया। अब उन्होंने इतना ज्यादा सुपर नेचुरल चर्च में प्रचार किया हुआ था कि वो बेचारे बता नहीं पाते कि मैं बीमार हूं, क्योंकि लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा 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 हमने वहम भरम और सारी चीजें डाल दी जो शायद हमें जीवन जीने से रोक सकती हैं। समझ गए आप? तो हाँ, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले है नेचुरल, प्राकृतिक, यानी नेचुरल, जो आम होता है। इसका मतलब है द थिंग्स अंडर द लॉ ऑफ नेचर, जो भी है, साइंस इसको कहती है कि ये नेचुरल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोग जैसे बोलते हैं, जो आदमी ने नहीं बनाए लेकिन प्रकृति ने उत्पन्न किया है, उसको नेचर नेचर या नेचुरल बोलते हैं अपने तरीके से। अब देखिए, यहां पर हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन इस इर्दा गिर्द हमारे थोड़ी दूर तक पेड़ नहीं है, लेकिन यहां पर भी ऑक्सीजन है, हम लोग आराम से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, हालेलुया। हाँ, पहली बात। दूसरा है कि अभी हमें यह समझने की जरूरत है, ये नेचर अपने आप से नहीं है, ये नेचर अपने आप से नहीं है, बल्कि ये जो नेचर है ये परमेश्वर ने बनाया है। अगर, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है, ये बात याद रखिए। जैसे एक व्यक्ति ने पेड़ को देखा, उससे उसको पता लग गया ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, सारी बातें उसको समझ में आ गई, तो वो परमेश्वर के अस्तित्व को चैलेंज, ये जो काम है वो परमेश्वर नहीं, कोई और कर रहा है, ये अपने आप हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, इसीलिए सबसे पहले ये बताया गया कि पौधे हैं वो परमेश्वर ने लगाए हैं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। इसीलिए पेड़ हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, इसीलिए हम पेड़ पर मनोकामना मांगने नहीं जाते हैं, इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो एनिमल्स हैं, जानवर जो हैं, वो परमेश्वर ने ही बनाए हैं, इसीलिए किसी भी जानवर को पूजा क्रिश्चियनिटी में नहीं जाता है। पहले ही पेज पर, क्यों? पहले ही पेज पर यह बताया गया कि जो सृष्टि है और सृष्टि के सारे नियम है वो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाए। इसको एक बनाने वाला है, इसको एक चलाने वाला है, आपको यह समझने की जरूरत है। यानी ये जो सारे नियम है,
सूरज आता और जाता है, किसी दिन आप उठें और सुबह हो ही ना, ऐसे आज तक तो हुआ नहीं है। जब से पृथ्वी का चक्र चल रहा है तब से लेकर एक बार सिर्फ यहोशू के टाइम पर ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा संभव नहीं हो पाया कि पृथ्वी के चक्कर को रोक दिया जाए या उसको स्टॉप कर दिया जाए। ये चल रहा है, ठंड आ जाती है, गर्मी, ये वो, ये सारा सीजन जो है वो चलता रहता है। लेकिन दीज आर अंडर किंग्स, ये किंग्स के अधिकार के नीचे है क्योंकि उन्होंने इसको बनाया है। हालेलुया, समझ में आ गया? मैं बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं, चीखे मार के समझा के आप। दिस इज ट्यूशन, ये एक ऐसी क्लास है जिसमें हम सीख कर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारा नेचर है ये सारा का सारा परमेश्वर ने बनाया है, ये बात आप समझ चुके हैं। हालेलुया। कई और हमें ये बात पता है कि हमारे जो राजा हैं वो कभी लॉ को तोड़ते नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके मन में छवि पता क्या है परमेश्वर की? सच में आज क्लियर होगी, आपके मन में छवि ये है, थोड़ा सा कह दो परमेश्वर अपना कानून तोड़ देगा। मैं बताता हूं आपको क्या। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, कहता तो मेरे पास कुछ कागज थे जिसको मैंने डिलीवर करने के लिए कहीं पे जाना था, जैसे ही मैं घर से निकला बरसात होने वाली थी, जैसे ही निकला, कहता मैंने स्वर्ग को कहा, स्वर्ग के परमेश्वर को कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तू बारिश मत कर। ऐसा किया है जिसकी वजह से मैंने नेचर के कानून को तोड़ दिया। हाँ, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया? कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया? नहीं किया ना। हाँ, कभी बरसात को रोका नहीं, कभी भी नेचुरल काम को प्रभु यीशु मसीह जी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अपना डियर जिसको हिरण बोलते हैं, मृग बोलते हैं, वो मिला, हिरण मिला, हिरण अचानक बोलने लग गया, उसने बोला कि हां जी बोलो, क्या बात करना चाहते हो? कहता मैं भी पिछले समय में एक साधु था, लेकिन मैं किसी बात का जवाब नहीं दे पाया। वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, ईश्वर का व्यक्ति हो जाता है, क्या वो नेचर से खिलवाड़ कर सकता है या उसके लॉज को, उसके कानून को रोक सकता है? कहता मैंने, क्योंकि नेचर उस आदमी के अनुसार काम करने लग जाता है। तो दूत ने कहा तूने गलत जवाब दिया है और मेरे को हिरण बना दिया। आपको भी नहीं हो जाए जब कोई परमेश्वर का हो जाए, अवरोधक हो सकता है? वो कहता नहीं, बल्कि वो अवरोध बनता ही नहीं है, बल्कि जो होता है उसको होने देता है। प्रभु जी सारा दिन प्रचार करते थे इसलिए सो रहे थे, आंधी बह रही है बहने दो। प्रभु जब उठे, प्रभु ने उनके डर को देखा, उनके डर को देखा और कहा डरते क्यों हो? फिर प्रभु ने उनको करके दिखाया, उनको करके दिखाया, डांटा, बाइबल में लिखा है डांटा, और वो शांत हो गया। क्यों? आप डांटते हैं शांत हो जाता है? हाँ, आप डांटते हैं शांत हो जाता है? प्रभु के कहने से क्यों हुआ और आपके कहने से क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, ये भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। हालेलुया, ये भेद है,
ये भेद की बातें, और इसको सीखना होगा तो ही आनंद आएगा। हालेलुया। तो यहां पर पहले तो हमें यह देखना है कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। घास को देखा, उसने देखा कि ये एरिया जो है वो खराब पड़ा हुआ है। उसने माली ने वहां पर खुदाई करनी शुरू की, जमीन को बिल्कुल हल्का किया, उसके बाद हल्का करने के बाद उसमें पानी छिड़का, पानी छिड़कने के बाद उसने बीज लगा दिया, और बीज लगाने के बाद बहुत सुंदर सुंदर पेड़ उग गए, फलों के पेड़, फूलों के पेड़, सारी चीज। अब क्या हुआ कि एक छोटा उसकी वैल्यू पता नहीं थी कि ये बाग में इतने खूबसूरत चीजें कैसे लगाई हैं या कैसे लग रही हैं। वो भाग कर आता है और क्या करता है, फलों को तोड़ता है, फूलों को तोड़ता है, खाता नहीं है, फेंक देता है। तो उस माली के दिल पर क्या लगेगा, उसको बुरा लगेगा। आपके घर के अंदर पौधे हैं, ये जो माली है ये परमेश्वर खुद है, उन्होंने अपने हाथों से इस पूरे धरती को सजाया, यहां पर कुछ नहीं था, और वहां पर उसने लगाया। इज अ गॉड हु डेवलप नॉट डिस्ट्रॉय, वो परमेश्वर है जो बनाता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता। हमारा परमेश्वर ऐसा है, बोलो हमारा परमेश्वर राजा है, वो बनाता है, उजाड़ता नहीं है। ठीक है, हमारा परमेश्वर ऐसा है। ये वो लॉज उसी ने बनाए हैं और वो अपने लॉज को तोड़ता नहीं है, वो खुद कानून बनाकर खुद तोड़ता नहीं। आपके घर के अंदर सबसे डिसिप्लिन कौन होता है, सबसे ज्यादा अनुशासन में कौन रहता है, पापा खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, कितने बजे उठना है, ये सारी चीजें पापा तय करते हैं, है ना। क्यों करते हैं भाई तय, क्यों डिसिप्लिन। मान लो वही बाप आपके जीवन में 5 दिन डिसिप्लिन को माने, 2 दिन ना माने, तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, बच्चे कैसे हो जाएंगे। आप पंजाब की सड़कों पर निकल के देखो, आपको पता लग जाएंगे कैसे होंगे, गालियां मुफ्त में बट रही हैं, दो बातें करते हुए जा रहे हैं, 10-12 आपको सड़क पे सुन जाएंगी, है ना। हम लोग निकलते हैं तब हम ये वॉच करते हैं, दो आपस में बात कर रहे होते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं आपस में, किसी को नहीं निकाल रहे, वो ऐसी बोल रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते। अगर खुद कानून बनाने वाला कानून तोड़े, खुद कानून बनाने वाला खुद कानून तोड़ दे, तो शायद ये सही नहीं है, तो वो राजा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे परमेश्वर ने जो कानून बनाए हैं वो खुद उसको तोड़ते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको समझ में आ गया कि हमारा परमेश्वर जो है वो नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों का मिक्सचर है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं एक बार, फिर आपको ये बात आगे जाके समझ में आएगी। चलो सबसे पहले पढ़ो रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसकी 19-25 आयत। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 19-25 आयत। माइक में पढ़ो। हाँ, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर का जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हाँ, जहाँ तक की वे दूरतर है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, व्यर्थ विचार करते
उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार को की जो सदा धन्य है। बोलो आमीन। इस वर्ष को आपने पहले कभी पढ़ा था? हाँ, इस वर्ष में अब आप बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। पहला रोमन्स यानी रोमियो की पत्री 1:19-25 में यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के विश्व का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। अगर परमेश्वर ज्ञान ना दे तो आपके मन में परमेश्वर के बारे में कुछ समझ नहीं आ सकता। पहली वर्ष का मतलब यह है उसके अनदेखे गुण, यानी परमेश्वर के बहुत सारे अभी ऐसे अनदेखे गुण हैं, अनदेखे गुण हैं जिसको इंसान ने अभी तक देखा नहीं है। उसके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह निरुत्तर है। यानी सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक परमेश्वर तब और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हम लोगों को देखने को मिलती है परमेश्वर के कामों के द्वारा। अब ये थोड़ा डीप है, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आगे संत पौलुस ये लिखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसको छोड़कर मनुष्य के द्वारा सृजी गई चीजों, पशुओं चौपाओं यानी मूर्ति पशुओं चौपाओं की क्या की, पूजा करनी शुरू कर दी। उनका मन इसके द्वारा अंधेर हो गया। ये परमेश्वर, यहां पर पौलुस संत पौलुस ये लिखते हैं कि परमेश्वर ने जब ये देखा तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको वैसे ही छोड़ दिया ताकि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। अब ये है, ये परमेश्वर की एक आइडियोलॉजी है। अगर आप अपने घर में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में सब कुछ किया है उसको छोड़कर उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो सृष्टि में दिखती हैं, जो आपको मिल रही हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है, और आप उसकी उपासना करने लगते हैं तो परमेश्वर आपको अपने हाल पर। अब पति पत्नी में झगड़ा रहता है, क्यों रहता है भाई? यहां पर लिखा शरीरों का आपस में अनादर होता है। एक पत्नी जो है वो भी घर में आदर योग्य है लेकिन पति उसको आदर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसके अंदर जो परमेश्वर तब है होना चाहिए था, दैट इज एब्सेंट। यानी जो परमेश्वर के गुण जो है, यानी परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है और जो गुण हमारे अंदर होने चाहिए थे वो नहीं है, इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनादर करता है। अगर परमेश्वर के गुण हमारे अंदर हो तो हम हर जगह हर समय उन लोगों की के साथ और उनका आदर करेंगे जो हमारे इर्दा गिर्द हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, यानी लोगों ने नेचुरल और सुपर नेचुरल, यानी परमेश्वर और परमेश्वर। अब सुपर नेचुरल का मतलब मैं समझा देता हूं। अब ये आपने पढ़ लिया इसी का 8:19-22 पढ़िए फटाफट, हम समझ देंगे फटाफट। करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तान से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, क्यों जो रही है भाई? यानी पेड़
बाट जो रहा है, किसी की वेट कर रहे हैं। ये जो इर्दा गिर्द हमारे छोटे छोटे जीव है, ये जंतु है, ये अंदर से पुकार रहे हैं। किस चीज को पुकार रहे हैं? ताकि परमेश्वर के पुत्र जो है, अब पेड़ को अच्छा कब लगेगा? मान लो आपके पास मैं आता हूं, आपको अच्छा कब लगेगा? जब मैं आपकी अच्छी से सेवा करूंगा, आपसे अच्छे अच्छी बात करूंगा, है ना, अच्छी अच्छी बात करूंगा। जब आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब आप किसी संकट में हो, आपके खड़ा हो जाऊंगा। हम यही चाहते हैं ना, हम यही चाहते हैं ना एक दूसरे से। तो ये लिखा है कि सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों को वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको उजाड़ने वाले ज्यादा हैं, उनको बनाने वाले कम। वाटिका के अंदर सब कुछ आदम के अधीन था। आदम जो था वो सारे बगीचों का क्या था, रखवाला था। वो सारी सृष्टि को देखता था, वो परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि की संभाल करता था। वहां पर पाप नहीं था। यहां जो लिखा गया है उसके अनुसार सृष्टि भी गुलाम है। ये जो पेड़ पौधे, ये जो जानवर है, ये भी गुलामी की दशा में चले गए हैं, ये भी आजाद नहीं है। लेकिन ये, हालेलुया, कुछ बात पता लग रही है, ये भी बाट जो रहे हैं ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हों और इन पर अधिकार रखें और इनको संभालें, जैसे अदन की वाटिका में हुआ करता था। जैसे आप और मैं बात करते हैं ना अदन की, ठंडी ठंडी शाम दिया गला, अपन देखते हैं ना, गाना गाते हैं, भी बड़ी याद आती है जो अदन की वाटिका से परमेश्वर आते थे और हम लोग उनसे बात करते थे, बहुत अच्छा लगता था। क्या सृष्टि को, बाइबल में लिखा है, क्या सृष्टि इस चीज की वेट नहीं कर रही? वो भी वेट कर रही है। पेड़ को भी अच्छा लगता था कि उनका सृष्टि करता उनके बीच में होता था, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, प्रति प्रर अधीन करने वालों की ओर से, व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई। हाँ, यहां लिखा है जो सृष्टि है वो व्यवस्था के अधीन की गई है। व्यर्थ, व्यवस्था, व्यय, यथा, व्यथा, व्यर्था के अधीन इस आशा से की गई है। 22:20 इसमें सीधा लिख दिया गया, प्राचीन में ये भाग नहीं मिलता। एक मिनट, 3:17-19 उत्पत्ति 3:17। हाँ, वो रखा यही था ना कि अधिकार रखो। तुमने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तुम उसे ना खाना, उसको तुमने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रमित है। लिख दिया गया, भूमि जो है वो आदम की वजह से श्राप के अधीन आ गई, परमेश्वर ने कर दिया। यानी जो सृष्टि है, भूमि मतलब उसकी जो भी उपज है वो भी, लेकिन हम लोग इसको समझ जाएंगे। मुझे ये बात पता है कि जब हम समझ जाएंगे जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। चलो, यही 3:17-19 में लिखा है, कर्स ड्यू टू एडम एंड ईव। आदम की वजह से जो सृष्टि है वो पूरी, जो पूरी की पूरी है, वो श्राप के अधीन आ गई थी। इसलिए वो भूमि की जो अपनी उपज है वो अच्छे से नहीं देती थी। आदम जो है पूरी मेहनत करेगा, उसके बाद वो अपनी मेहनत का फल खाएगा, ये लिखा हुआ है। हालेलुया। हाँ, अब ये सृष्टि है, ये परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है और परमेश्वर ही इसको रूल्स के अनुसार चलाते हैं। हालेलुया। हाँ, समझ में आ गई आपको ये वाली बात? चलो, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
गॉड इज गॉड ऑफ आग के अंगारे, है ना। कुछ बोल दिया हल्का सा, फिनिश, वो चलता रहेगा, चाहे वो पति को बोलो, चाहे वो पत्नी को बोलो, या घर में किसी को भी बोलो। उसके दोस्त उसकी बेइज्जती नहीं करते, मम्मी करती है। वो उसको समझ, बोले आप तो समझते ही नहीं, मेरे दोस्त समझते हैं मुझे, होता है ना ये लॉज। वो किसी से ज्यादा बात करेगा। मां अचानक, जब एक बहू शादी करके घर में आती है, वो अचानक ही कहने लगती है कि बहू ने पल्ले नाली बन लिया तुम्हें, तू मेरे से अच्छा समझ रही है रादर की मेरी मां। आदमी वो कहते नहीं कि तारीफ का भूखा है, हाँ उसको मीठे मीठे शब्द सुनने की आदत पड़ी हुई है, मीठे मीठे शब्द। आप किसी को कुछ भी हो आपके मन के अंदर, आप मुंह पे बस मीठा रखो। आज यही जीवन है, आप पीछे जो मर्जी कुछ कर दो, किसी का कोई नुकसान कर दो, कुछ भी कर दो, मुंह पर आकर मैंने तो कुछ भी नहीं किया जी। नेता यही तो करते हैं, सारे के सारे नेता यही तो करते हैं, और उन नेताओं को हम लोग पसंद करते हैं। नेता हमें पसंद आता है जो हमारे घर पर और हमारे मोहल्ले में आकर ज्यादा मीठा बोलता है, हम कहते हैं ये बहुत बढ़िया है। आजादी के कितने सालों बाद आज भी चुनाव सड़कों पे लड़े जाते हैं। जो नया नया सीएम बने पंजाब के, वो विधानसभा के अंदर उस समय अकाली दल की सरकार थी, अकाली दल ने खूब सड़कें बनाई, बहुत सड़कें बनाई, ये सच्ची बात है, अकाली दल ने बहुत सड़कें बनाई, और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। अब कांग्रेस विधानसभा में, हमने सड़कें बनाई, तुमने क्या किया? बताता हूं कहना हमने वहां का हाईवे बनाया, वहां का हाईवे बनाया, तूने क्या बनाया? वो खड़ा होकर पता है क्या बोलता है, कहता जहां जहां आपने आज आज के युग के अंदर जो लोगों का अंदर अंदर सिस्टम है, अगर वो बाहर आ जाए तो दुनिया में महायुद्ध लग जाए, एक दूसरे के प्रति जो भाषा, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष, ये सारी चीजें क्यों, कारण क्या है? ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये श्राप के अधीन है। अब सारी सृष्टि में और क्या क्या आता है? हाँ, कुछ हिडन चीजें हैं, कुछ छुपी हुई चीजें हैं। सारी सृष्टि दो है, मेरी बात सुन लो ध्यान से, फिर आगे बढ़ने वाले। दो सृष्टि है, एक जो दिख रही है, एक जो दिखती। हाँ, आपको जो विचार आ रहे हैं, आपके जो विचार आ रहे हैं आपके मन के अंदर, उसका स्रोत बोले वो प्रोसेस है, वो ज्ञान है। अच्छा, स्कूल में जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, सीख रहे हैं, बन रहे हैं। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, लोग ये कहा करते थे, यार ये ज्ञान इसका नहीं है, बिना पढ़े इसको ज्ञान कैसे आ गया? इसका मतलब है, प्रभु कहते हैं कि मेरा मेरी जो बातें हैं वो मेरे नहीं, मेरी बल्कि मेरे पिता की हैं। उसका स्रोत अनदेखा है, वो दिखता नहीं है, राइट है। कई बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो कहते हैं हम पेड़ के नीचे बैठे, हमने आंखें बंद की, समाधि लगाई, बहुत साल लगाई, उसके बाद हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान हो गया। ये बहुत सारे लोगों ने कहा, हो गया ना ऐसा? आप भी चर्च में आए, चर्च के अंदर प्रार्थना करी, गया। आपको लगता है ना, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, ज्ञान हो गया। लेकिन वो ज्ञान कब विज्ञान में बदल जाता, मुझे ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या, बाइबल में लिखा है कि
मनुष्य के जो विचार मन में आते हैं उन दोनों का एक स्रोत नहीं है। अब जब कर्ष हुआ, सृष्टि पे कर्ष हुआ, सृष्टि के ऊपर जो कर्ष हुआ, अब जो पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है वो छोड़कर धरती से चले गए, ऐसा कहा जाता है। जब इंसान के ऊपर श्राप आया तो परमेश्वर का जो स्रोत था, जो आपके अंदर बना हुआ था, वो क्या हुआ, चला गया। सेंट की शीशी देखिए, खुशबू, उसमें अगर वो सेंट खत्म भी हो जाए उसके अंदर रहता है ना, लेकिन थोड़े थोड़े साल बाद धीरे 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 कम होने लगता है। इसलिए पूरे इंसान में परमेश्वर का अगर आत्मा नहीं रहता है लेकिन उसका अफेक्ट थोड़ा सा रहता है, वो थोड़ा भला करता है, दूसरे के बारे में सोचता है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, ये सारी चीजें, लेकिन फुल ऑन सुपर नेचुरल फुल ऑन वो बनता नहीं है। हालेलुया। चलो अब बड़ा आपको मैंने समझा दिया, अब मैंने आपको समझा दिया है कि बहुत सारी, चलो एक पहले वर्ष पढ़ लो कुलुसियों की पत्री, फिर आप सीखेंगे फटाफट। कुलुसियों की पत्री एक अध्याय नहीं दो अध्याय, पहले एक, इससे पहले इफिसियों की पत्री निकालो, इफिसियों की पत्री एक अध्याय 19 आयत, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ जी, इफिसियों की पत्री एक अध्याय उसकी 19 आयत। उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बिठाया। यहाँ पर ये दिखाया, यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ने सारी प्रधानता, अब सभी तरह की प्रधानता कौन सी है, आपके नेता, पृथ्वी के नेता, स्वर्गदूत, प्रधान, जो दिखते हैं जो नहीं दिखते हैं, उन सब के ऊपर क्या किया, परमेश्वर ने उनको बिठा दिया। हर एक नाम के ऊपर, आपके नाम के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। समझ गए आप, आपके नाम के ऊपर भी है परमेश्वर का अधिकार है। हर एक बात में यह लिखा गया है, हर एक चीज के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। चीज का मतलब है जो दिख रही है जो नहीं दिख रही है, दो चीजें, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए, जरा निकालिए कुलुसी की पत्री 1:15-18, कुलुसियों की पत्री 1:15-18, यानी दो संसार, एक दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है। जी हाँ, यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने सबसे पहले जो चीजें दिखती हैं और जो नहीं दिखती हैं, मतलब नेचर और नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों की सृष्टि परमेश्वर ने की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यहां पर लिखा है कि धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, यानी एमसी, सरपंच, सरपंच एमसी, कमिश्नर, डीसी, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पीएम,
सब के सब परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के लिए बनाए हैं, ताकि ये बड़े डिसिप्लिन से चले, ये बड़े बड़े डिसिप्लिन से चले, धरती पर अनुशासन रहे, धरती पर अनुशासन बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने सारी चीजों की सृष्टि की है। बोलो आमीन। उजाला मिल रहा है, समझ में आ रही है बातें? परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट किया है, इसीलिए हमें आगे ये लिखा कि उनके बेटे के लिए ये क्रिएट किया गया, ये प्रभु यीशु मसीह जी के लिए क्रिएट किया गया है कि जब सब कुछ सही हो जाए, ही विल कम एंड रेन अगेन, वो दोबारा आए और क्या करे? राज्य करे। यहां पर ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है। हालेलुया। चलो अब हम असली विषय पर आ रहे हैं, और अब आपको इस चीजों के बारे में समझना आसान हो जाएगा। चलो मेरे साथ बोलना, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरा थोड़ा सा साथ देना। ये सारी सृष्टि किसने बनाई है? एक सुर में बोलो। ये सारी सृष्टि किसने बनाई है? ये पत्थर किसने बनाए हैं? ये लकड़ी किसने बनाई है? ये हवा किसने बनाई है? ये पानी किसने बनाया है? ये ऑक्सीजन किसने बनाई है? ये धरती का पूरा सर्कल किसने बनाया है? परमेश्वर। अब राइट हो गए? अब सबसे पहले हम लोग एक इवेंट की ओर जाते हैं। मरकुस 6 अध्याय उसकी 50 आयत। सुपरनैचुरल या फिर सुपरनैचुरल, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आने वाली है। प्रभु ने ये क्यों कहा? हौसला रखो, डरो नहीं। मैं आपको समझाता हूं। प्रभु यीशु मसीह, अब आप कहेंगे कि बहुत कुछ सुपर नेचुरल हो रहा था, जो दुनिया के अंदर हो रहा है बहुत कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, यानी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे समझ के परे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, हाँ आपको ये समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं, ठीक है? ये तो चमत्कार है। ये चमत्कार है कि नहीं है? मेरी तरफ देख के बोलो ना, ये चमत्कार है कि नहीं है? हाँ। लेकिन ये चमत्कार देख के चेले डर गए। ये चमत्कार देखकर चेले डर गए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और चेले डर गए। प्रभु ने कहा डरो नहीं, मैं हूं, डरो नहीं, मैं हूं, प्रभु ने यह कहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देख के बताओ, ये नेचुरल है या चमत्कार है? हां जी, हां जी, नेचुरल। इन्होंने बोला नेचुरल है ये, मतलब ये तो होना ही था। कैसे होना था? चलो इसको डिफाइन करते हैं। ये बताओ नेचुरल कैसे था? फिर आप पानी पे क्यों नहीं चल पाते? आप पानी में डूब कैसे जाते हो? प्रभु कैसे चल रहे थे? क्या ये चमत्कार था? आपका विश्वास इसका मतलब नहीं है, इसलिए आप पानी पे नहीं चल पाते। अच्छा चलो, जो चेले थे वो किस में बैठे हुए थे? हैं? किस पे बैठे हुए थे? किश्ती में बैठे हुए थे। हाँ, वो किश्ती जो थी किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। वो लकड़ी किसने बनाई है? वो लकड़ी में किसका गुण है? तो जब लकड़ी बनाने वाला, लकड़ी जिसने बनाई, अगर वो लकड़ी तैर सकती है, तो वो उस लकड़ी का गुण उसमें क्यों नहीं है? है कि नहीं है? अब लकड़ी को तैरना किसने सिखाया? हाँ, लकड़ी को तैरना परमेश्वर ने सिखाया। नेचुरल,
ये नेचुरल था। लेकिन जब उस लकड़ी को बनाने वाला लकड़ी जैसा गुण प्रकट कर रहा था, कह रहे हालेलुया हालेलुया। हम तो कहते हैं कण कण में वो वास करता है, अब उसके अंदर उस लकड़ी का गुण है कि नहीं है? अधिकारी है। ये बाइबल में क्या लिखा है, ये सारी चीजें सीन और अनसीन, जो देखी हैं और दिखती नहीं है, ये दोनों परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए बनाई, अपने बेटे के लिए बनाई है। तो पहली मिस्ट्री, आपको जीना कैसे है? कई बार आप सुपरनेचुरल तरीके से सोचते हो, कहीं आप सुपरनेचुरल तरीके से सोचते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो सुपरनेचुरल नहीं है, वो एक आम बात है। जैसे आप लोग स्वर्ग में इन सब चीजों को देखेंगे तो आप कहेंगे ये आम बात है। अब जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, संत यूहन्ना है, उसमें एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है, उसने अपने दोनों हाथ जो है अपने हाथों पर रखे हुए हैं, और एक जो दो जो पंख है उससे वो उड़ रहा है और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अगर ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द कड़ी है, इस नेचर और सुपर नेचुरल होने में जो बीच की कड़ी है, वो हमारे राजा जी ही हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें ये दिखाया। चलो आगे बढ़ते हैं, चार अध्याय इसी का, मरकुस का चार अध्याय 40 और 41 आयत पढ़िए, चार अध्याय 40 और 41 आयत पढ़िए। चलिए, किसकी आज्ञा मानते हैं? किसकी आज्ञा मानते हैं? आपकी नहीं, आपकी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं। इसीलिए वो सुप्रीम है, इसीलिए वो सुप्रीम है। अब मैं आपसे फिर से दोबारा पूछता हूं, अब मेरी तरफ देखिए। यहां पर एक इवेंट था, इवेंट ये था कि एक बहुत बड़ी झील थी, झील के अंदर चेले जो थे वो बोट में जा रहे थे। किस में जा रहे थे? बोट में जा रहे थे। अब जब बोट चल रही थी, जब बोट में जा रहे थे, तो अचानक क्या हुआ, बहुत बड़ा तूफान आ गया। अब जब तूफान आ गया तो फिर क्या हुआ, अब बैठ जाइए जरा, अच्छा जाने का इनको, अच्छा। तूफान जब आ गया तो तूफान के अंदर वो सारे चेले डर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, आराम से सो रहे थे। चलो मैं आपसे अब पूछता हूं, ये नेचुरल था या सुपर नेचुरल था? तूफान आना नेचुरल था या सुपर नेचुरल था? नेचुरल था, आराम, प्राकृतिक तरीके से तूफान ने आना ही था, और वो आया, समय निश्चित था, है ना। लेकिन कुछ अलग था। अब नेचर से, अब नेचर को बनाने वाला, नेचर को बनाने वाला क्या नेचर से डरेगा? नहीं। आपके बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, क्या आप अपने बच्चों से डरोगे? कहीं बार डर लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जब, है ना। लेकिन आपको पता है कि आपको आजकल, चलो अलग सिस्टम हो गए हैं दुनिया में, लेकिन हमें यह पता होता है कि हमारा बच्चा कहां तक जा सकता है, कहां तक नहीं जा सकता, है ना। हमें यह पता होता है, हमें पता है उसकी कितना वो कर सकता है सारा कुछ। यहां पर जो स्ट्रॉन्ग था, प्रभु को यह पता था कि ये मुझे तो नहीं डुबा सकता, ये सृष्टि का मालिक, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने पानियों को इकट्ठा किया है, जिसने कहा क्या करो, पानी अलग हो जाए और सूखी भूमि अलग हो जाए,
पानी ने उसकी कमांड को माना और पानी एक जगह इकट्ठा हो गया। पहले सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था, एक जगह इकट्ठा होके नीचे 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 समुद्र तक ऐसे ऐसे बना गया, जमीन के नीचे तक चला गया। उसने क्या करा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना और एक जगह इकट्ठा हो गया। बीच पे जाके बड़े मजे आते हैं, वे बीच में बैठ गया, हा बड़ा मजा आ रहा है, पानी आ रहा बाहर। लेकिन हम लोग यही बात कर रहे थे उस दिन, थोड़े दिन पहले जब मैं आई वॉज इन गोवा, हम यही बात कर रहे थे। मैं कह यार अगर सोच लो 5 मिनट के लिए ये जो समंदर है, बोले आज मेरे को परमेश्वर की बात नहीं माननी, जैसे आप नहीं मानते, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैं आज वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, आके मेरे बीच में कभी चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूं। 5 मिनट अगर समुद्र अपनी सीमाएं लांग दे, 5 मिनट अगर समुद्र अपनी सीमा को पार कर दे, तो सब खत्म, सब खत्म। सुनामी आई, देखा था सुनामी आई, क्या हुआ था, देख के डर लगता था, लेकिन वो व्यवस्था वापस बहाव हो के, क्योंकि वो समुद्र का किनारा ही था, समुद्र का किनारा जब ड्राई हुआ तो वहां पर सिटी बना दिया गया, समुद्र ने सब कुछ दोबारा वापस ले लिया और वापस पानी चला गया, सुनामी खत्म, सब वापस, क्योंकि वो समुद्र ही था। पीछे हट जाता है ना समुद्र, पहले बहुत दूर तक बहता है फिर वो पीछे हट जाता है, ऐसे वो अपनी जगह को कवर करता है लेकिन अपनी हदों को कभी पार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ही नो द कमांड, उसको कमांड पता था। अब मेरी बात सुनिए, इस पूरी पृथ्वी का जो पानी है जब परमेश्वर की एक कमांड से इकट्ठा हो गया, तो क्या परमेश्वर का बेटा उस पानी से डरेगा? वो नेचुरल है या सुपर नेचुरल है? आपके लिए वो चमत्कार है या नॉर्मल है? आपके लिए चमत्कार है, क्योंकि आप सृष्टि पर अधिकार खो चुके हैं और आप कानूनों को समझते नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी को पता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये सिंपल नेचुरल सी बात थी, मैं कहूंगा ये हो जाए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? चमत्कार और आम बात के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने अपने अधिकार को जताया, अधिकार को दिखाया कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। आपका कनेक्शन दुनिया में जितना मर्जी हो, जब तक स्वर्गीय स्थानों से प्रभु यीशु मसीह जी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, आप अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हालेलुया, बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं। ही रेज द डेड, मरकुस 5:36 में उसने मृत लड़की थी उसको जीवित किया था। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह पर थे, आराधनालय के अंदर थे, तो आराधनालय के अंदर वो उसका बाप खड़ा था, उसको लोग बोल रहे थे कि तेरी बेटी मर गई है। प्रभु ने उसको एक बात कही, एक चीज कही, प्रभु बोले मत डर, केवल विश्वास रख, तेरी बेटी चंगी है। प्रभु ने कुछ कहा, लॉर्ड स्पीक्स। हमारा जो अविश्वास है वो धरती का है क्योंकि वो दिख नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो फेथ स्टेटमेंट था, अब मेरी बात सुनो, आपके कहने से आप जब चर्च में कहते हो मैं विश्वास करदा, मैं विश्वास करदा, हो जाता है ना। अब जब प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं तो विश्वास कर, तो मृत्यु को जीवित तो होना ही था, उसको तो वापस आना ही था। क्यों? क्योंकि इधर और इधर का बीच का जो कड़ी थी वो संसार के अंदर थी, वो सब कुछ अपने आप में समेटे हुए था और अपने आप वो इवेंट को कर रहा था। अब मैं आपका ध्यान है वो एक इतने बड़े इवेंट पे लगाना चाहता हूं जिसको आज तक एक मिथ की तरह चर्च में प्रीच किया गया है, यानी वो मिस्ट्री की तरह प्रीच किया है, निर्गमन निकालो,
एक्सोडस, मैं चाहता हूं आप खुद पढ़ो, निर्गमन, निर्गमन, कूच, उत्पत्ति तो अगला, कूच, निर्गमन, उदा 14 अध्याय 14, 13-17, 14-13-17 आयत बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ध्यान से समझिए जी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े मैं उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। अब मूसा नबी ये क्यों कह रहे हैं? उससे पहले का इवेंट ये है कि इजरायली जो थे वो समुन्द्र के किनारे थे, आगे समंदर था, वो आराम से वहां पर मछलियां वछलियां पकड़ते खाते पीते होंगे, क्योंकि और कोई तो वहां सी फूड था और कुछ तो था नहीं, आराम से ट्रैप लगाते आते खाते पीते। वहां पर उन्होंने क्या किया था, अपना ठिकाना बना लिया था, वहां पर रुके हुए थे। अचानक मिस्री जो थे उनका मन हार्ड हो गया और मिस्री उनके पीछे आ गए, और यहां पर क्या हो रहा था, वहां बैठे हुए थे, मिस्रियों ने उनको ढूंढ लिया, सामने सेना थी और वो वहां पर बैठे हुए थे। अब मूसा नबी ने बहुत गरज के, 400,000 लोग थे, कितने लोग थे, 400,000 लोग थे, और प्लस औरतें और बच्चों की काउंटिंग अलग है। अब मूसा के पास माइक तो था नहीं, मूसा नबी के पास माइक तो था नहीं, लेकिन मूसा नबी बीच, अब 400,000 लोगों के बीच में आप खड़े होके कहो, कुछ सुनेगा क्या किसी को? हाँ, कितने लोगों ने सुना होगा? 400,000 लोग आपके आगे खड़े हो, आप बिना माइक के बोल रहे हो, यहां बंद हो जाए मैं 15 लोगों को नहीं सुना सकता, गला बैठ जाता है। यहां पर मूसा नबी जो थे वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बड़ा ध्यान से सुनिए। हाँ जी, कौन करेगा, कौन करेगा? हाँ, बोले मैं नहीं करूंगा, ना ना, बोले मैं नहीं करूंगा, यहोवा करेगा। उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोग कहेंगे उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी, उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी, लेकिन मूसा नबी क्या कह रहे थे? अब इसमें थोड़ा सा फेथ का गड़बड़ भी है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे, आगे पढ़िए। कहता ये पक्का है, जिनको आज देख रहे हो फिर कभी ना देखोगे, आगे पढ़ो। हाँ, परमेश्वर आप लड़ेगा तुम्हारे लिए, आप भी बोलते हो ना परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा? अच्छा, पड़ोसी से पंगा तुम लो और लड़ाई परमेश्वर लड़े। हाँ, खुद बोल के आ जाओ और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। बीवी को गलत तुमने बोला, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। बाहर जाके किसी से पंगा तुमने लिया, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। इस स्टेटमेंट का मिसयूज होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज इस स्टेटमेंट का होता है। ये क्यों कहा गया? इसके पीछे एक मकसद था, इसके पीछे एक पर्पस था। 400,000 लोगों ने, एक ने भी आमीन नहीं कहा, लिखा ही नहीं, किसी ने नहीं कहा, आमीन भी नहीं कहा। यहां पादरी बुलवाव लगे, बोलो आमीन, बोलो आमीन, किसी ने नहीं बोला। 400,000 लोग लिखा है, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब मूसा सस्पेंस में, अब मूसा ने कह तो दिया, मूसा नबी कहते कि आज परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम मिस्रियों को देखते हो, उसके बाद देखोगे नहीं। उसके बाद क्या हुआ देखो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी गवाही दे रहा है? रुक जा, परमेश्वर ने मूसा से कहा,
तू मेरे आगे क्यों प्रार्थना कर रहा है? हाँ, परमेश्वर ने झिड़क दिया, मूसा नबी को झिड़क दिया, क्या ये तू लोगों को क्यों कह के आया भाई यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा? लेकिन आज आप कह रहे हो मेरी जंग यहोवा लड़ेगा, मेरी जंग यहोवा लड़ेगा। यहां मूसा नबी ने जहां से ये गीत लिया गया, अगले वर्ष में ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने मूसा नबी को झिड़क दिया। तो क्यों दुहाई दे रहे हैं मेरी? क्या अगर मूसा नबी को कहा परमेश्वर आपको नहीं कह सकते? अच्छा, तेरी जंग मैं लड़ू? जैसे एक बार एक बंदे ने मैसेज करा थोड़े दिन पहले, इस साइड की पास्टर जी मैं काम पे जा रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं कहा मैं लगाता हूं समाधि, रुक जा। रब में जा रहे हैं, मैंने सफलता दें, ठीक है प्रार्थना करो, यू नीड सपोर्ट। प्रभु जी तुसी करना, फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। तो कहते रब जी तुसी पास तो किया नहीं, कहना मेरा थोड़ी सी तेरा इंटरव्यू से, जे मेरा लंदे तो मैं कर लंदा क्लियर, ते तो होया नहीं, तुझसे तो हुआ नहीं। यहां पर परमेश्वर ने अगले ही समय क्या किया, मूसा नबी को कहा तू सुपर नेचुरल की बात कर रहा है, तुझे पता तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि मैं आके पानी को दो भाग करूं, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आगे बढ़ो। इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर ने प्लान बता दिया जी, चलो ठीक है। मूसा ने प्रार्थना करी, मूसा को पता नहीं था क्या करने का है, क्योंकि मूसा के पहली स्टेटमेंट में ये नजर आ रहा, परमेश्वर ने प्लान बता दिया। सारे सभी को पता लग गया है ना। अब जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म कैसे, परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ लाठी मारना, पानी दो भाग हो जाएगा, बीच में से आ जाएगा सूखी है। पानी दो भाग कैसे हुआ था? ये 17 कंप्लीट हो गया। हाँ जी पढ़िए। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वहां कि वे वहां भी का पीछा करेंगे। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। परमेश्वर कहते हैं मेरी महिमा कैसे होगी? अब मैं बताता हूं, परमेश्वर के पास पूरा प्लान था। परमेश्वर ने पूरा प्लान बताया, कहता ऐसा मान लो जैसे समुद्र के बीच में आप निकल रहे हो, मिस्री वापस चले जाएं, मिस्री वापस चले जाते तो कहते फिर दो समुद्र भाग करने की जरूरत क्या थी? मजा तो तब आए जब मिस्री भी बीच में आएंगे। परमेश्वर कहते मैं उनके मन से खेल लूंगा, उनके मन को कठोर करूंगा। आप तो कह रहे थे आपके मन की सोच आपके आपकी है, यहां लिखा है परमेश्वर आपके मन को कंट्रोल करता है। आप ये सोच रहे थे कि आपके मन के जो विचार हैं, अब मिस्री तो धर्मी नहीं थे, मिस्री तो धर्मी नहीं थे, एज अ परमेश्वर धर्मियों के मन को कंट्रोल करता, यहां तो अधर्मियों के मन को कंट्रोल कर रहे हो। ही मेक्स द हार्ट हार्ड, उन्होंने उनके मन को सख्त कर दिया। खिलाड़ी तो वही है, राजा तो वही है, जैसे लिखा है वो जिसको चाहता है दे देता है, जिससे चाहता है ले लेता है। ये मन को कठोर करने वाला जो इवेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर लिखा मैं ही मनों को कंट्रोल कर लेता हूं, मैं अगर चाहता हूं मैं कुछ भी कर लेता हूं भाई। मनों को, आपके जो मन के अंदर विचार आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इफ यू वॉन्ट हेल्प, अगर तुम मेरे से मदद मांगोगे। मूसा ने झिड़की सुनी,
डांट सुनी लेकिन उसको पूरा प्लान पता लग गया, परमेश्वर ने अपने मन की बात उसको बता दी। अब हुआ क्या, हो गया 17 पूरा, हां जी 21 से पढ़िए जरा। अब जब ये होना था, परमेश्वर ने बता दिया लाठी मारोगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आगे क्या हुआ जरा पढ़िए। नहीं 20 से पढ़िए, 20 से। हाँ, इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया। हाँ, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और फिर रात भर एक दूसरे के पास ना आए। परमेश्वर ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन क्या ड्रॉ कर दी? मिस्री जो थे वो अंधकार में थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो इजरायली थे उनके पास रोशनी थी, यानी हमारे कमरे में टॉर्च जल गई, उनके कमरे में टॉर्च बुझ गई। वो सामने सामने थे लेकिन एक पूरी रात वो एक दूसरे से मिल नहीं सके। कितनी देर? एक पूरी रात। उनको दिखाई नहीं दे रहा था आगे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था आगे, उनको लगा यही है। एक रात, उस एक रात का मतलब क्या था? परमेश्वर ने कहा था कि लाठी मारोगे हो जाएगा, एक रात का डिफरेंस क्यों था? आगे पढ़ो। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। हाँ, आगे पढ़ो। और यहोवा ने रात भर प्रचंड तुरवाई चलाई। हाँ, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। कभी ये सुना कि परमेश्वर ने पुरवाई चलवाई थी? पूर्व से जो ठंडी हवा होती है परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया था समंदर को दो भाग करने के लिए। हवा नेचुरल है या नॉन नेचुरल है? हवा चली, हवा आई, नेचुरल है ये, चमत्कार हो गया। बोलो बोलो। हां जी, नेचुरल मतलब आम हुआ या फिर चमत्कार हो गया? आम हो गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस हवा का रुख एक जगह मोड़ दिया, ये चमत्कार। सारी रात हवा चली और हवा इतनी स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने समुद्र को दो भाग कर दिया। लाठी, परमेश्वर ने मूसा की जो लाठी थी उसका इस्तेमाल सिर्फ कमांड के लिए किया कि अब तू सृष्टि को क्या कर, कमांड कर, एंड आई विल डू इट, मैं इसको कर दूंगा। लाठी वाला सीन क्लियर हो गया मन से? हा, मेंढक वाला पता है, जब इस मिस्रियों के ऊपर मेंढक आ गए थे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा हारून को, कह अपनी लाठी को उठा और जितने भी मेंढक हैं उनको कमांड दे, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और हमला कर दे मिस्रियों पर। और वो जाके क्या करता, सारे तालाबों के पास गया, हे जितने भी मेंढक हो वो सारे के सारे आ जाओ, परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है, सृष्टिकर्ता को तुम्हारी जरूरत है, चल मिस्र पे अटैक कर दे। बाइबल में लिखा है सारे के सारे मेंढक तालाबों से निकल के आ गए और उनके घरों में आ गए। ही कमांड, मेंढक स्वर्ग से नहीं गिरे थे, मेंढक धरती के ही थे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, कुटकियां, यानी जो छोटी छोटी पिलसियां ये सारी चीजें होती हैं, उन्होंने कहा मिट्टी को कमांड दे, मिट्टी को कमांड दे। उन्होंने मिट्टी को कमांड दिया और मिट्टी की छोटी छोटी कुटकियां इतनी सी बन गई और वो मिस्रियों के शरीर के ऊपर आ गई, जख्म टाइप हो गई। परमेश्वर ने जब भी धरती पर कुछ किया है तो वो नेचुरल रिसोर्सेस को ही लेकर सुपरनेचुरल काम किया है, जो हमारे लिए सुपरनेचुरल की एक संज्ञा है भी, हाँ ये सुपरनेचुरल हो गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। हर एक चमत्कार के पीछे एक मकसद था। अभी आपके चमत्कार के पीछे मकसद क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप चमत्कार क्यों चाहते हो? हर एक चमत्कार जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है उसका एक मकसद था।
मूसा नबी के साथ ये हुआ, क्या 400,000 लोगों की गवाही है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ? कमान से 400,000 लोगों ने क्या कभी कोई चमत्कार किया? कोई तो बोल दो। नहीं, उस भीड़ में योशुआ भी था, लेकिन उस समय योशुआ के कहने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन योशुआ जब मूसा नबी की जगह आए तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए। यानी परमेश्वर अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार करते हैं तो उसका मकसद आपको पता होना चाहिए। अगर आप बगैर मकसद का चमत्कार चाहते हो, वो कभी भी आपके जीवन में नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो, छोटी सी बात, एक पति और पत्नी का झगड़ा हो गया, छोटी सी बात, हर घर में चलता है रोज, कहीं के ज्यादा बढ़ जाता है, कहीं के ज्यादा होता है, कहीं के कम होता है, होता है। अब झगड़ा जब हो गया, उसकी जो महिला थी वो चर्च में आने लग गई, वो चर्च में आके रोज प्रार्थना कर रही है, मेरे पति नु बदल दे, मेरे पति नु बदल दे परमेश्वर, प्लीज चेंज हिम, प्लीज चेंज हिम। लेकिन चर्च कौन आ रहा? औरत। बदलना किसको है? जो चर्च आ रहा है। प्रार्थना किसके लिए हो रही है? जो घर बैठा है। जो होना चाहिए उस पर कंसंट्रेशन नहीं, जो आप चाह रहे हो उस पर कंसंट्रेशन है। हाँ, उस पर कंसंट्रेशन है। पहले आपके स्वभाव को आपका पति देखे, पहले आपकी भक्ति भाव को आपका पति देखे, तो अपने आप कहने लगेगा क्या हो गया, मैं अभी झगड़ा छोड़ता हूं, दिस विल हैपन। बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर का स्वरूप हो, आप दुनिया के लिए पुस्तक हो, दुनिया के लिए अंजील हो। जब तक आप बदलते नहीं मॉजरिन, आपको देखकर भी कोई नहीं बदलेगा। हालेलुया। अब कैसे कैसे पोल खुल रही है ना, खुल रही है ना, नेचुरल और सुपर नेचुरल। एक पत्नी मेरे पास आई, वो किसी की पत्नी थी, आप प्रार्थना करें, मेरा पति शराब बहुत पीता है, चलो मिलकर प्रार्थना करें। ठीक है, हे प्रभु, वो शराब पीना छोड़ दे। पत्नी ने कहा आमीन, मैंने कहा आमीन। ठीक, घर गई, उस दिन पति का मूड खराब था, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, उसने शराब नहीं पी। अगले संडे वो आई, प्रभु जी उसने शराब पीना छोड़ दिया। अब जैसे ही संडे को गई, वो पहले मंडे को पीता था, वो संडे को पी के बैठा था। अब यहां पर सारा फेथ सिस्टम डाउन हो गया। प्रभु जी ये क्या हुआ, प्रभु जी ये क्या, और रिपेयर क्या करना था और रिपेयर क्या किया जा रहा है ना। जब तक ये कुछ ऐसा है, डॉक्टर साहब आओ ना, आप ना यहीं से कह दो मेरे पति को घर में पेट दर्द हो रहा है, यहीं से कह दो आप, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले नहीं, उसको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। वो राजाओं का राजा है, आप उसकी रीस नहीं कर सकते। मान लो कोई बहुत दूर है, बहुत दूर है, परमेश्वर को भी पता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें तो वो चंगा हो सकता है, क्योंकि उसका एक मकसद है। मैं आपको एक बात बताता हूं,
परसों कल शाम तक मेरी तबीयत बहुत खराब, बहुत मतलब एक्सट्रीम वाली खराब। जैसे जैसे रात हो रही है मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, रात में मैं एनर्जी में आ गया, मेरा बुखार उतर गया, जो अंदर छुपा हुआ था बुखार वो बाहर पहली बार आया, मेडिसिन ली ठीक हो गया, अच्छा लग रहा था, अच्छे से सोया उठा अच्छा लग रहा था। प्रचार कर, मैंने मेरे भाई का छोटे का फोन आया, मैंने उसको फोन करा, कहते भाई कैसा लग रहा है आज, मैं कहा आज अच्छा लग रहा है, कहते वो तो मुझे पता ही था, संडे को तो हो ही जाना था, कहता मुझे पता, क्यों, फॉर अ पर्पस, एक मकसद के लिए। अगर आपका जो चमत्कार आप चाह रहे हो अगर उसके पीछे उस संसार का जो दिखता नहीं है उसका कोई मकसद नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाइबल में क्या लिखा है कि अब जब हम परमेश्वर की इच्छा से कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। आप क्यों नहीं कहते आपका जब दिल टूटा है, रिश्ता टूटा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, हे मेरे परमेश्वर प्लीज मेरे घर को बना दीजिए और मेरे घर से आपकी महिमा होगी। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया आप यकीन कीजिए आपका घर बदल जाएगा। जिस दिन आप ये कहेंगे कि हे मेरे परमेश्वर मैं अपने काम में इतना ज्यादा बढ़ जाऊं, मेरे काम को बढ़ाइए ताकि मैं आपके राज्य के काम को बढ़ा सकूं, आपका काम उसी दिन, आपकी इनकम उसी दिन डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे काम लेना जानते हैं। नेचुरल से सुपर नेचुरल जाने के लिए आपके बीच में कड़ी प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरी आज्ञा को मानता है मैं और मेरा पिता उसके साथ रहते हैं। अब ओबीडियंस, आज्ञा, परमेश्वर प्लानिंग देते हैं। एक बार जब जंग हो रही थी तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा, मेरे बच्चे तू शहर के बाहर जाना, आधी सेना को शहर के आगे रखना, आधी को शहर से पीछे रखना, तू उनको उकसाना और वो तेरे पीछे आएंगे, जब बहुत सारी सेना तेरे पीछे आ जाए तू पीछे से हमला कर देना और उनके नगर को जीत लेना। ही मेक अ प्लान, जो आपको दिखता भी नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आता, परमेश्वर आपके जीवन में वो प्लान बनाते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत आहत से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक प्लान सुनते ही नहीं खुदा का। खुदा से पूछिए, आज अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, परमेश्वर राजा है, वो अपने बनाए नियम कभी नहीं तोड़ते और प्रभु उससे प्यार करते हैं जो उसकी सृष्टि को संभालता है। अब बहुत सारे पिछले हैं जो आगे हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? हमें लगता है जो चर्च में पीछे बैठा है वो आगे आ जाएगा। नहीं, चलो हमारे यहां सबसे छोटे लोग कौन गिने जाते हैं समाज में? सफाई कर्मचारी, माली, सड़क बनाने वाले मजदूर, हाँ और कोई है कैटेगरी? जूते ठीक करने वाले प्लंबर्स, ये लोग समाज में पिछले गिने जाते हैं। इनके कपड़े अच्छे नहीं है, इनके पास खाने को प्रॉपर नहीं है, पर बाहर खड़े होकर कई बार ये बुर्ज खलीफा को भी देखकर बोल सकते हैं, ये अपन ने बनाए डाला है, ये अपन ने बनाया है, ये मैंने बनाया है, पैसे किसी और के थे तो बना लेता पैसों से, मेरी कला थी इसलिए बन गया। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं।
परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं। मैंने जब ये चर्च बना था, मैंने प्रार्थना की थी, हे मेरे परमेश्वर, कोई मजदूर बीमार ना पड़े, जैसे पहले समय में हुआ वैसे ही हो। कई मजदूर तो ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने यहां पर काम चला, 6 मंथ, और रोज उन्होंने मजदूरी करी बिना छुट्टी, रोज, मतलब समझते हो, 4 रोटियां बना के आपकी कमर टेढ़ी हो जाती है, हमारी खाके हो जाती है। लेकिन वो क्या कर रहे थे, भवन को बना रहे थे, और वो टेढ़े नहीं हुए फॉर अ पर्पस। परमेश्वर ने उनके अंदर किसी मकसद को लेकर ताकत रखी है, किसी मकसद को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर का क्या मकसद है? आप क्यों चंगा होना चाहते हो? ताकि मैं कुल्लू मनाली जा सकूं, या फिर मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं? परमेश्वर तभी आपके जीवन के अंदर बड़ा चमत्कार करेंगे जब आप अपना सहयोग सृष्टि को देना शुरू कर देंगे। अपने आसपास पौधों का ध्यान रखना, अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखना, अपने आसपास इंसानों का ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, ये बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, लेकिन सृष्टि का नियम यही है, अगर कोई बड़ा होना चाहता है वो छोटा हो जाए। इसका मतलब क्या है? अगर तेरे पास ज्यादा होने लग गया है तो तू दूसरों को देना शुरू कर दे, हाँ, फिर क्या होगा, तेरा डबल हो जाएगा। तेरे पास आता रहेगा तू भी चलता रहेगा, तेरे पास आता रहेगा सिस्टम चलता रहेगा। और यही बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, फ्रूट्स, फल, जानवर, सब मेरे बनाए हुए हैं, तू टेंशन मत ले, तुझे सब प्यार करेंगे अगर तू उससे करेगा। जब तू उनसे प्यार करेगा सब तुझसे प्यार करेंगे। हालेलुया। आप किसी को आदर दोगे, आप अपने जीवन में मत खोए रहिए, नेचुरल और सुपर नेचुरल का फर्क समझिए। परमेश्वर तभी आपके जीवन में चमत्कार करेंगे जब आप सृष्टि को चलाने में सहयोगी हो जाएं, उसको लूटने में नहीं। बहुत सारे लोग लूटना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों ना आज हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, अगर हमसे कभी कोई गलती हो गई, मतलब हमने सृष्टि को लूटा है, उसको दिया नहीं है, तो आज हमें माफ करें। आइए अपनी आंखों को बंद, एक कन्फेशन करें, हे मेरे परमेश्वर, अगर मेरी किसी भी बात से, किसी भी चीज से मैंने आसपास के प्रकृति को, नेचर को नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे माफ करें। हे मेरे परमेश्वर, मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं ताकि मैं भी एक सहायक बन जाऊं, ताकि सृष्टि में जो चल रहा है अच्छे तरीके से हो। प्रभु जी, मैं अवरोधक ना बनूं, मैं रोकने वाला ना बनूं, बल्कि मेरे प्रभु, आपका बेटा होने के नाते इस सृष्टि को चलाकर मैं आपके पवित्र नाम को, आपके पवित्र राज्य को हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ाता रहूं। राजा यीशु जी के नाम बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप सबको समझ में आया आज? अच्छा है, ये बहुत ही डीप विषय है, क्यों ना परमेश्वर की तारीफ करें।
अगर आप शक्तिमान बनना चाहते हैं, आप सुपरमैन बनना चाहते हैं, तो आज्ञा मानना सीख जाइए। किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि पूरी सृष्टि आपकी कैसी मदद कर रही है। मूसा नबी को लगा था कि सिर्फ लाठी लेकर काम हो जाएगा, लेकिन लाठी के साथ अधिकार था। परमेश्वर ने वही अधिकार जो शायद आदम को दिया था वो मूसा नबी को दिया। उसी लाठी के जरिए मूसा नबी की बातों को सृष्टि ने माना, पानी ने माना, समंदर ने माना, मेंढकों ने माना, कुटकियों ने माना, हनी बीज ने माना, पानी ने भी माना, सांपों ने भी माना। हर एक चीज ने मूसा नबी को जो परमेश्वर ने अधिकार दिए थे उसको माना। आप जब परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप यकीन कीजिए सृष्टि भी आपका साथ देगी। हालेलुया। सृष्टि भी आपका साथ देगी और सारी चीजें आपके पक्ष में होने लगेगी। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। समझ किसके पास है? समझ किसके पास है? बोलो, परमेश्वर के पास। अच्छा, आपके पास क्या है? सैमी गो अप से। आपके पास क्या है? हा, समझ परमेश्वर के पास है। आपके पास क्या है? आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक स्रोत है, एक जरिया है, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को वो क्या करें, परमेश्वर तक पहुंचाएं। बाइबल में लिखा है कि वो सब कुछ करने के बाद आज परमेश्वर के दाहिने और बैठे हैं और हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ताकि आप और मैं जो अधिकार खो गया था उसको वापस 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 ग्रहण कर लें। हालेलुया, हालेलुया। ए माइनर चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं, महसूस कर मैं तेरे पास हूं। हालेलुया। ये चिंता नहीं करनी, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैंने जगत को जीत लिया है और सृष्टि के अंत तक तुम्हारे साथ। जब तक मैं वापस ना आऊं सृष्टि के अंत तक, तुम बातों को मानो और मानना सिखाओ। ये लिखा है। प्रभु ने कहा कि अगर तुम में से कोई व्यक्ति छोटी से छोटी आज्ञा को मानना सिखाता है वो स्वर्ग राज्य में बड़ा है, और जो तोड़ देता है वो जितना मर्जी बड़ा वो सबसे छोटा है। आप और मैं जब सृष्टि के लॉ, नियम, कानून मानने लगते हैं तो परमेश्वर की नजर में हम बड़े हो जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं हम लोग, मानना शुरू करते हैं तो बड़े हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है हमें अपनी हित की चिंता नहीं करनी, अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचना। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? औरों के बारे में भी सोचना है। क्यों कहती है पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा? वो इसलिए कहती है, उनको पता है कि जब हम दूसरों की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर जैसा व्यवहार, परमेश्वर के बेटों जैसा व्यवहार पृथ्वी पर करने लगेंगे। सृष्टि वेट कर रही है आपकी, नेचर वेट कर रहा है आपका, आपके आसपास जो नेचर है वो आपका वेट कर रहा है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना, संत सिचेवाल, सुना है? वो व्यक्ति ने अपने जीवन में एम लिया कि मैं जितने भी नदी नाले हैं उनको साफ करूंगा। वो वेट नहीं करते थे, कभी खुद उतर जाते थे। इतनी बुरी बुरी हालतों में नदी नाले सब कुछ थे जिन लोगों ने खराब किए, उन्होंने उनको साफ कर दिया, धौड़ धौड़ इतनी सुंदर बना दी नदियां। नदियां आपसे आसपास का एनवायरमेंट नहीं संवरता, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया। आज वो देश की सबसे बड़ी संसद के एमपी हैं।
वहां बैठते हैं, वही नदी उन्होंने साफ करी। अब नेचर के साथ जब आप अच्छा व्यवहार करने लगते हो तो सब कुछ सही हो जाता है। हालेलुया। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं, महसूस कर मैं तेरे पास हूं, और तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, धोकर लहू से तुझे साफ कर दूं, आ मेरी बेटी तू, आ मेरे बेटे आ भी जाना, आ मेरी बेटी तू, आ मेरे बेटे। कितने लोगों ने संत यूसुफ के बारे में सुना? संत यूसुफ कहां के प्रधानमंत्री बने थे? प्रधानमंत्री मिस्र के। हम लोग बात करते हैं, कितने लोगों ने इब्राहिम लिंकन का जिक्र सुना है? इब्राहिम लिंकन भी एक छोटे परिवार से थे, और वो भी अमेरिका के पहले ब्लैक प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बने थे। वो यूसुफ का मिस्र पर अधिकारी हो जाना हमें सुपर नेचुरल लगता है, लेकिन इब्राहिम लिंकन जो घर में, जिनके घर में टॉर्च तक नहीं थी, रोशनी तक नहीं थी, अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, हमें नेचुरल लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के आगे पर्दा है, हम सफर नहीं देखते उस व्यक्ति का, हम देखते हैं कि किस तरह से कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने जीवन में क्या करना चाहता है। अगर आज आपने अपने समय में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप कल कुछ भी काटने वाले नहीं हैं। आज अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन नहीं करते, कल किसको सिखा सकते हो? अगर आज आप प्रार्थना में नहीं बैठते हो, कल किसको प्रार्थनावादी बना सकते हो? आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, दूसरों का कैसे बदल सकते हो? आप अफेक्ट में जीते हो। जब लाल रोशनी आप पर बनती है, आप लाल बन जाते हो, जब हरी पड़ती है तो हरी बन जाते हो, लेकिन असल में तो काला ही है भाई साहब, और वो बहुत बड़ा घोटाला है। अगर आप उसी तरह के हैं जैसे आप हैं, बनते नहीं है, तो परमेश्वर आपके द्वारा और आपके अंदर से काम करेंगे। हालेलुया। ये झूठ मूठ का जीवन छोड़ो यार, समझो, सीखो, आगे बढ़ो। जैसे परमेश्वर ने हमें सलोना बनाया है, वैसे ही हमें बन के रहना, दूसरों से प्यार करने वाला कोई भी हो। अब प्यार करने का सबसे बड़ा पैमाना क्या है? दूसरा भी मुझसे प्यार करे। अगर वो प्यार करे तो मैं उससे प्यार करूं, अगर वो नफरत करे तो मैं नफरत करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उल्टा कहते हैं, अगर कोई नफरत करे तो उससे प्यार कर, जो तेरा बैरी है तो उसके लिए प्रार्थना कर। प्रभु उल्टा कहते हैं, प्रभु यही कहते हैं कि कोई तुझे कुछ कहे चाहे ना करे, तुझे सत्कार करना, तुझे जी करके बात करनी, तुझे दूसरों का भला सोचना, अपना नहीं सोचना। मेरा क्या हित है, मैं हर समय यही सोचता रहता हूं, मेरा क्या हित है, मेरा क्या हित है। लेकिन प्रभु ये कहते हैं, हमें सिर्फ अपनी नहीं लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करनी है, भी दूसरा क्या सोचेगा और दूसरा क्या करेगा। अगर आज हम, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोग कितने हैं, प्रभु को भी नहीं पड़ता, आप प्रभु की नजर में एक एक इंपॉर्टेंट है, एक एक रू इंपॉर्टेंट है। प्रभु ये चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो बहुत ही कोमल स्वभाव के हों, बहुत बहुत ही हमें मिलने के बाद लोगों को लगे, हे यार आनंद आ गया, ये कौन लोग हैं, इनसे बात करके मजा आ गया, ये कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे घर के अंदर आए और लोग कहें, आई फील समथिंग हियर, मुझे कुछ यहां पर महसूस हो रहा है, और वो पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आपके घर में कोई आता है तो क्या महसूस करता है? क्या है आपके घर के अंदर, क्या है आपके शरीर के अंदर, किस प्रभु की बात कर रहे हो? मेरे प्रियो, हर पाप बुराई हर चीज से दूर रहें और प्रभु से बिल्कुल पास पास कर रिश्ता रखें। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जी जी मेजर,
Jesus. See, name of all name, the beautiful Savior. E minor, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living world. Jesus, सबसे ऊंचा आपका नाम, हमें छुड़ाने वाले जीवित खुदा Emmanuel, हमारे साथ है, वो ही छुड़ाता है, जिंदा खुदा Hallelujah. 85 देना बेटा टोन पे 001 85. थोड़ा बच्चे बेस करना बेस. उसने बनाई वो ही हमें जुड़ाता है. नियम कानून उसने बनाए वो ही हमें सिखाता है. वो ये बताता है हमें जुड़ाता है. वो ये बताता है हमें जुड़ाता है. उसने बनाए वही जुड़ाता है. बोलो बोलो. नियम कानून उसने बनाए वो बाना सिखाता है. हालेलुया. सब कलीसिया मिलकर ये गीत ट्राई करें. परमेश्वर हमें नए नए शब्द देंगे.